नमस्कार मित्रों, अगर आप भी धनतेरस पर सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं तो यह वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बहुत से लोगों ने धनतेरस के त्योहार के लिए अपना बहुत ही लंबा चौड़ा लिस्ट बना करके रखे, तैयार करके रखे हैं। लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जिसे अगर आप धनतेरस के दिन घर में खरीद करके लाते हैं तो आपके धन बढ़ने के स्थान पर धन नाश होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए यह वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मंगलवार के दिन 2 नवंबर को धनतेरस पड़े 2021 में, तो आपको धनतेरस के दिन कौन सी ऐसी पांच चीजें जिसे घर में खरीद करके नहीं लाना चाहिए इस वीडियो में बताऊंगा। छोटी छोटी जानकारी जो होती है हमें आगे बढ़ने में, हमें नुकसान पहुंचाने से रोकने में काफी मदद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के प्राचीन ज्ञान की अच्छे अच्छे जानकारी आपको भी सीखने को मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े। पहले नंबर पे आते हैं स्टील से बने हुए चीजें। जी हाँ, धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन घर ले आते हैं, जबकि इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि जो स्टील है ये शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव बहुत ही ज्यादा होता है। आपको सिर्फ आप प्राकृतिक धातु को ही खरीदना चाहिए इस पर, क्योंकि राहु का प्रभाव बहुत ही ज्यादा होता है, तो आपको दुख तकलीफ की सिवाय कुछ भी नहीं आने वाला। भविष्य में बिल्कुल ही आपको दुख तकलीफ होगा। लोहे का बना हुआ चीज। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनि देव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बने चीजों को धनतेरस पर भूल करके खरीद करके नहीं लाना चाहिए। अगर आप लाते ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, बहुत से लोग गाड़ी वगैरह खरीद करके लाते तो इसमें दोष नहीं है। आप एक काम करना, उसे गंगा जल से स्नान करा देना, यानी कि गंगा जल छिड़क देना, तो इसमें राहु का प्रभाव भी नहीं रहेंगे, शनि का भी प्रभाव नहीं रहेंगे। इसके बाद आते हैं धारदार हथियार। जी हाँ, बहुत से जो लोग होते हैं जो कि धनतेरस के दिन धारदार हथियार लाते हैं। धनतेरस के दिन धारदार वस्तु खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन बहुत से लोग चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई भी धारदार सामान जो है खरीद करके लाते हैं। इसका जो प्रभाव होता है ये राहु का कारक सब माने जाते हैं, ये धन का नाश करने का सूचक माना जाता है। इसके साथ ही बहुत से लोग क्या करते हैं, धनतेरस के दिन काले रंग की चीजें खरीद करके लाते हैं। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को घर में लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन होता है, जबकि काला रंग हमेशा दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस पर काले चीजों को खरीद करके नहीं लाना चाहिए। जो काले रंग होता है हमेशा बर्बादी का सूचक माना जाता है। कोई भी काले चीज घर में खरीद करके ना लाए, हो सके तो धनतेरस के दिन जितना ज्यादा हो सके लाल, पीले और सफेद कलर की वस्तुओं को खरीद करके लाइए, हमें उन्नति का प्रतीक माना जाता है, हमें जो है आगे बढ़ाने में काफी मदद करते हैं। इसके बाद जो है खाली बर्तन घर में खरीद करके नहीं लाना चाहिए। जी हाँ, धनतेरस के दिन यदि आप कोई बर्तन इस्तेमाल करते हैं सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं तो उस पर कुछ ने कुछ भर करके जरूर लाए, खाली नहीं लाना चाहिए। इसमें पानी भर के भी ला सकते हो, कुछ खरीद करके नहीं ला रहे थे चावल ला सकते हो, कुछ भी सामग्री उसमें भर करके जरूर लाए। इससे घर में हमारी बरकत होती है, हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। तो आशा करते हैं कि छोटे से जानकारी आपके जीवन में हेल्पफुल साबित जरूर होंगे। अगर जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो बहुत ही लोगों का हेल्पफुल कर सकते हैं, बहुत से लोगों को जानकारी मिल सकता है, तो इसे अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।